जहाँ पे हम गुरु अमरदास जी पैदा हुए थे, तो वहाँ का आपको गुरुद्वारा साहब दिखा रहे हैं। देखो जी, सारा ऊपर गोल्ड का है, सिर्फ गोल्डन टेंपल में नहीं है। देख लो, पहले यहाँ स्नान होता है, फिर उसके बाद दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे वाहेगुरु जी अपनी तपस्या करते थे। यार लोकेशन है यार, हाँ जी भाई, वेलकम बैक टू सोल बॉक्स। तो क्या हाल चाल सबके, हर हर महादेव, जय बजरंगी तोड़ छुन की नली। तो भाई तुम्हारा फिर से आ गया ना व्लॉग के साथ। तो गाइस व्लॉग कर दिया अपने स्टार्ट, ऐसे ही है फिर व्लॉग तो स्टार्ट करना ही है। तो भाई अगर ये पीछे मौसम देख ही सकते हो आप, कितना कैड़ा मौसम रखा हम पसर का। ये तो भाई कल परसों की बारिश पड़ रही है, ठप ठप ठप, रुक ही नहीं रही। मैं व्लॉग कैसे लाएंगे, अभी बस धूप निकली है, एक दो घंटे हुआ है धूप निकली है। मैं कहा चलो भाई व्लॉग स्टार्ट करते हैं ना, अभी अपनी जो छोटी सी फैमिली है भाई उसके लिए व्लॉग ऊपर स्टार्ट करते हैं। बाकी वीडियो बताना भाई पिछली कैसे लगी आपको, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना भाई। मेरी तो पूरी कोशिश होती है यार कि मैं तुम्हें अच्छी से अच्छी चीज़ दिखाऊँ। हाँ भाई टाइम भी लगता है बहुत यार वीडियो बनाने में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऐसी फालतू चीज़ें दिखाएं आपको, अच्छी दिखाएं, मतलब मज़ा आ जाए आपको ना भाई। अभी फिलहाल तो भाई प्रोग्राम बन रहा है घूमने फिरने का, तो पता लग ही जाएगा आपको व्लॉग में ना भी। लो भी मित्रों असि हूँ चलने लगे घूमन फिरन, मौसम देख ही सकते हो तुम हले तो पाई थी कि फिर पड़े क्या बारिश, बारिश पैनी है भाई बहुत गलत वाली, भाई बहुत गलत वाली बारिश पड़ रही है। पता नहीं क्या हो रहा है, मजा आ रहा है मौसम बड़ा कैंड हो रखा है। तो अभी भाई यारों का कुछ पता नहीं अभी कहाँ को जा रहे हैं, ठीक है कुछ पता नहीं कहाँ जा रहा है, पर आपको पता लगता रहेगा बीच में किया यार। मैं हमारे प्रोग्राम को ही पता लगता है किधर को चल जाते हैं। बाकी यार बड़ा भी भोगते रहते हैं, बाकी गड्डी में बैठते यार इनको छड्डो। लो भी मित्रों अभी आगे भाई आपको बताया था कि घूमने फिरने आ रहे, घूमने फिरने तो आ रहे हैं। तो भाई आपने पीछे लोग में देखा होगा जहाँ पे आपको मैं जोड़ा साहब जी के दर्शन कराए थे, आपको गुरु अमरदास जी के दर्शन कराए थे आपको जोड़े के। तो आज उनकी हम जन्म स्थान पे आ रखे हैं गुरुद्वारा साहब में, ठीक है। तो आज आपको यहाँ के दर्शन कराते हैं जहाँ पे गुरु जी पैदा हुए थे। ये देख लो एक बार, ये गुरुद्वारा साहब है जी, मत्था टेक लो सारे करे भाई मेरे, तो ये अपने घर वाले, ठीक है भाई। आज भाई यहाँ लेके आए हैं जहाँ पे गुरु अमरदास जी रहते थे, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। तो ये है गुरुद्वारा वो। तो भाई जितने भी मेरे भाई जो भी देख रहा भाई, बहुत भाग्यशाली बंदा भाई वो दर्शन कर पा रहा है। तो अंदर दर्शन कराता हूँ पहले आपको। भाई खालसा भाई फतेह, महाराज जी कृपा करो, चढ़ती कला च रखियो, कोई गलतियों की माफी करो। हाँ पहला लुक देखो भाई, पंजाबी शेख बने हुए हैं अभी, अभी पंजाबी शेख बने हुए हैं। क्या बात है, देखें मत्था टिकाते हैं आपको, अभी मत्था टिकाते हैं आपको जी के पास, ठीक है। ये इनका जन्म स्थान है बाबा गुरु अमरदास जी का। चल रहे हैं देखो आगे की तरफ भाई, बहुत खुशी वाले दिन है भाई। हाँ भाई एक पढ़ लो आप, ठीक है सारे। जन्म स्थान गुरुद्वारा जन्म स्थान श्री गुरु अमरदास जी, श्री गुरु अमरदास जी का जन्म इस पावन धरती पिंड बासा के टिल्ला विखे। लो जी मत्था टेको। तो आपको बता रखा था यार कि यहाँ पे ना बड़ा मन था मेरा आने का, गुरु जी ने बुला लिया। जब तक भाई जब तक उनका बुलावा नहीं आएगा तब तक कैसे जा सकता कोई बंदा भाई। सोचो भाई जिसके है ना जिनके जोड़े साहब से वो ठीक हो जाते हैं, उनमें क्या ही पावर होगी। और ये तो उनका जन्म स्थान है भाई, जन्म स्थान भाई बाबा गुरु अमरदास जी का। मत्था टेको एक बारी। लो जी भाई जय खालसा और फतेह सारे भाई, मत्था टेक लो मेरे भाई, आप भी मत्था टेके एक बारी। खालसा चढ़ती कला च रखियो। बड़ी देर से यार मैंने आपको बताया था ना कि आपको लेके जाऊंगा, क्योंकि बहुत मन था मेरा। तो आपने देखा तो उसके बाद उन्होंने जोड़ों के दर्शन कराए थे गुरु अमरदास जी के। तो अब मैं चाहता था कि उनके जन्म स्थान में भी लेके आऊँ, तो आपको जन्म स्थान में लेके आया हूँ। सारे मत्था टेक लो, देखो भाई लोग अपनी जगह ठीक है भाई। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े हो तो भाई अच्छी चीज़ दिखाना भी हमारा फर्ज है ना भी। ना तो भाई लोग बनाने था खुद आके मत्था टेके जल देता, पर मैं स्पेशल आपके लिए आया हूँ कि आपको भी कभी दिखाऊँ मैं। बाकी जल छके आपको, जल छकिए लो जी, जल छक लो, जल जाओ छको छको, जल छको। वाहेगुरु जी छको छको छको। लो जी जल छक लिया सारा ने, तो प्रसाद लिए आप बाबा जी को। इतने महाराज जी पैदा हो गए, इतने पड़े 60 साल तक रहते रहे। 60 साल तक इसे पिंड की रहे, विवाह शादी इतने रहते हैं, पुत्र भी इतने रहे, ठीक है जी। तो 21 बार हरिद्वार गए। गोडा रख लत लम्मे पे ने पंडित दुर्गादास का ना इतिहास आने पैर की रेख फड़ी कि उन्हें आख्या किसी दिन तड़ते छिद्र चले ने, इन्हें आख्या पंडित तुम टेवे छेवे मार दे हाँ लै 5 रुपये 4 नज़ारे लै। उन्हें हमारा नहीं 5 रुपये लेने, कहते क्यों, कहते जी लूँ उदो जो कुछ बने हो गए ध्यान रखे हुए मेरा, उन्हें ठीक है। वो इन्नी गल आके वो अपने राय पै गया, अपने राय पाया। चलो फिर एक राह इन्होंने बामण मिल गया, तो साथ बन गया, उस गल बातें करते उन्होंने आंदा चल पंडित आ
दो चार दिन मेरे को तेरी सेवा पानी करिए कुल पुलिस इतने लाए पंडित तीन दिन दे रहा तीजे दिन उन्हें पूछा अमरदास जी ता गुरु कि पंडित ने पूछे हूँ गुरु कहते हाँ जी जब मैंने पता नहीं मेरा गुरु कौन है मैं दसो गुरु जी बता रहे मेरे हरिद्वार जाना उन्हें आख्या बड़ा धक्का हो तीन दिन करे ने गुरे पानी तानी पी लिया पानी ने गुरे दसा पानी नहीं पी लिया पंडित कहता पंडित इन्हों के मन से इन्नी ठेर हो जी भी है ये की गल है वह इन्नी गल आख वो दौड़ गया अच्छा उन्हें खिलौता इन्हों के मन से यही ठेर वजी भी हूँ की करा उम्र 60 साल तक हो गई है तो गुरु हूँ कड़ा लगूगा तो कितों लगा की करा इन्ह के मन में चैन नहीं आते ये रात कोठे से चढ़ के सौ नींद नहीं आती ये बीबी और जी सी ना ये गुरु अंगद देव जी लटकी दोहरी पातशाह जी और देखो जी बाबा अमरदास जी को गुरु अंगद देव जी ने 12 बख्शीसा दी सी तो यह 12 बख्शीसा है तो तुम पढ़ सकते हो बाकी आपको बाहर दिखाते हैं जहाँ पे गुरु बाबा जी ने अपनी तपस्या करी थी ठीक है तो वो वाली जगह दिखाता हूँ आपको मैं वो सब चेक करो यार तो भाई खालसा भाई फतेह देख रहे हो भाई साढ़े वाहगुरु जी तो ये देखो भाई मौसम भी कैसा हो रखा है बारिश हो रखी है गाइस ये और देखो जहाँ पे गुरु अमरदास जी का जहाँ पे हम गुरु अमरदास जी पैदा हुए थे तो वहाँ का आपको गुरुद्वारा साहब दिखा रहे हैं और यहाँ की आपको इतिहास बताते हैं क्या क्या हुआ था जहाँ पे गुरु अमरदास बाबा जी ने तपस्या करी थी वो जगह भी दिखाते हैं आपको जाके अंदर तो आपने देख लिया होगा बाकी पूरी बात जानते हैं क्या थी पूरी यहाँ का तो आपको मत्था टिका दिया ठीक है ये था गुरु अमरदास जी के जन्म स्थान जहाँ पे पैदा हुए थे और इसी के आगे जाके गुरुद्वारा साहब जी है वहाँ पे इन्होंने तपस्या करी थी हमारे गुरु जी ने तो बीच में आपको बता देते कि थोड़ा बहुत आप सुन नहीं लिया होगा बाबा जी ने जो बताया बाकी हम तो चल रहे जहाँ पे इन्होंने तपस्या करी थी तो ये हम आ गए अभी गुरु अमरदास जी के जहाँ पे गुरु अमरदास जी ने तपस्या करी थी जो कहते हैं तपस्या वो वाली जगह पे आ गया अभी हम वहाँ से हो गया जहाँ पे उनका जन्म हुआ था अब सीधा तपस्या की थी वो जगह दिखाते हैं आपको और उसके बारे में थोड़ा बताते हैं आपको ठीक है शॉर्ट में बता देंगे ना तो यार अब बहुत बड़ी बन जाती है आपको शायद सुनो ना पर भाई सुनने वाली बात है यार क्योंकि भगवानों की बात है भाई सुननी जरूरी है इतिहास का पता होना चाहिए चीज़ों के बारे में है ना भी अगर आप भी मत्था आके टेक सकते हो ठीक है जगह जगह आपको बता ही देंगे कहाँ पे है आओ एक करी मत्था टेको गोल्डन टेम्पल भी तो आते हो ना तो यहाँ पे भी आ सकते हो आप बहुत प्यारी जगह जब आपको बातें पता लगेगी तो आप खुद ही सोचोगे भाई हमारे गुरु ने क्या क्या किया था यार भाई जय खालसा जय फतेह देख रहे हो आज व्लॉग स्टार्ट किया और आगे से वाह क्या मौसम हो रखा है और ये देखिए गुरुद्वारा साहब जहाँ पे बाबा जी ने तपस्या करी थी तो वहीं लेके जा रहे हैं आपको एक व्यू देख रहे हो क्या व्यू आ रहा है सारी जगह यार मतलब पीस है शांति शांति और ऐसा मौसम गुरु जी खुश हो गए ये कहाँ से आ गया चलते हैं बाकी अंदर की तरफ ये देख लो जी इतिहास जो आपको बताया था मैंने अगर भाई किसी को टाइम लगता है तो भाई पढ़ सकता है ठीक है आराम से रोक के आराम से पढ़ो फिर उसके बाद बताना या तो हम भी बता देंगे आपको पर यार वो लंबी वीडियो बन जाएगी उसका भाई माइंड ना करना ना अगर खुद पढ़ सकते हो तो भाई पढ़ लेना ना तो हम आपको शॉर्ट बता देंगे इस चीज़ के बारे में ठीक है चलो भाई बाकी अंदर चलते हैं मत्था टेकने ये देखो जी सारा ऊपर गोल्ड का है सिर्फ गोल्डन टेम्पल में नहीं है देख लो वाहेगुरु जी भी जानती हैं सारे देखो वाहे खालसा वाहेगुरु फतेह मत्था टेक लें करी तो ये आप देख सकते हो ये भी सारा सोने से बनाया हुआ है तो ऊपर से देख सकते हो आप ये देखो वो उधर सिल्वर का गेट है तो ये है जी क्या बात है बाकी मत्था टेको एक बार ये आप सारे जब बाबा जी तपस्या करते थे तो सारे यहीं से दर्शन करते थे देख लो यहीं से दर्शन करने पड़ते थे अंदर जाके तो ये देख लो जी और यहाँ पे वाहेगुरु जी अपनी तपस्या करते थे उसके परली साइड में और यहाँ से अंदर जाना पड़ता था मत्था टेकने के लिए ये देखो जी पहले आपका भाई आएगा अभी अंदर दिल सच्चा रखो और एक बार ये लोकेशन देखो क्या लोकेशन है यार सरोवर ये अजी बाबा जी का सरोवर पहले यहाँ स्नान होता है फिर उसके बाद दर्शन कर सकते हैं उधर दिखाता हूँ कितना मजा आता है चीजा देख के ना मनो गए नहीं कितना फील आ रहा है क्या सरोवर है अगे वाहेगुरु जी ने ऐसे का मौसम कर दिया कि मजा ही आ गया चेक करो क्या मजा आ रहा है देख रहे हो चेक करो आपको मैं स्पेशल आपके लिए आया हूँ कि भाई हर चीज दिखाऊंगा आपको क्योंकि भाई ये नहीं है कि मैं व्लॉग बनाता हूँ तो व्लॉग से अपना मतलब लूंगा ऐसा कुछ नहीं है आपको अपनी अच्छी चीजें दिखाऊंगा अभी यही होते हैं भाई असली बंदे गलत चीजें क्यों दिखानी मैं तो यही होता है कि भाई जहाँ जहाँ आपको अच्छी चीज़ दिखा देखूँ वहीं आपको अच्छी चीज़ दिखाता हूँ तो आज आपको गुरुद्वारा साहब ले गया था जो मैंने पहले ही बता रखा था आपको कि मैं
लेके जाऊंगा आपको और लेके आया हूँ, जवान का पक्का हूँ भाई। ठीक है, वो तो सिर्फ इस बीच में काम वो मैं पड़ जाते थे, देख लो मेरे चंडीगढ़ चला गया था, उसके बाद ही देख लो मेरा लिखा है कि भाई जी ने मेरे को फिर बुलाना था चंडीगढ़ चला गया मैं, उसके बाद चंडीगढ़ चला के जाने के बाद फिर वापस आता नहीं जल्दी, वो साल दो साल लगा के आता हूँ मैं अमृतसर, पर परमात्मा जी की हुकुम था, आना था मैंने और आज आ गया, और बहुत खुशी वाली बात है यार। साथ में आपको भी दर्शन करा रहा हूँ भाई, करो दर्शन, दिया कोई भी इच्छा है मांग लो अपनी, और आप आओ जरूर यार, आओ यहाँ मत्था टेको आके और इतिहास के बारे पता करो, मैंने आपको दिखा भी दिया, बाकी शॉर्ट में बता देंगे आपको। ठीक है, पूरा कहीं घूम ले, ये देखो यार, ये है जी कुदरती चीजा, क्या बात है भाई। तो ये आ रही मेरी फैमिली नाल, तो मैं आंदा अपनी फैमिली नाल ही है, क्योंकि भाई यहाँ पे फैमिली के साथ ही मजा आता है। जे काके किसी ने इतने आना हो, मत्था टेकना हो, तो कितने को कितने आवे हो? सब तो पहला जी तुसी आओ जी श्री अमृतसर साहिब विच, पिंड बासा दे किला नियर छटा। चलो जी, चलो जी, जिसने भी आना भाई यहाँ पे आके मत्था आके टेक सकता है और जरूर आए, और आपको पता लगेगा कि यहाँ की वाइब क्या चीज है ना, क्या वाइब है, बहुत प्यारी वाइब है यहाँ की। आओ यहाँ पे मत्था टेको, अंदर देख लिया आपने, ठीक है, बहुत महान हस्ती चीज जो आपको चीज दिखा रहे हैं ना, वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, मैंने आपको वो बोर्ड भी दिखाया था, वहाँ पढ़ लेना है एक बार, आपको पता लग जाएगा ये हमारे थर्ड गुरु जी है, गुरु अमरदास जी। बाकी चलते हैं की तरफ, वाहे जी खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। मीह पै गया उस्ताद जी, मीह पै गया, मीह पै गया, की करिए देख रहे हो, क्या मतलब वाहेगुरु जी खुश है भाई, मजा ही आ गया। एक घर वाले लगे चाय पीने टपरी में, पता नहीं क्या इनको, क्या आपको काफी फेमस चाय है भाई, इनकी चाय बहुत टेस्टी है, दुकान भाई सिंपल और नॉर्मल है भाई, टपरी भाई इसको बोलो, टपरी बोलते हैं इसको, टपरी भाई, टपरी नहीं है यार, कहते हैं इसको टपरी, वो नहीं कहते इसको टपरी। हां देखो भरा, अमन भरा लग गया भाई, बिजनेसमैन बंदे भाई, ओ यो यो यो। अरे भाई घर वाले ना मेरे बहुत खाने खुने के शौकीन है भाई, ये बहुत फेमस लगा है भाई यार, हद हो गई यार, क्या हाल है ना, ना खाओ खाओ पियो पियो। तो भाई यहां चाय तू पी रहे हैं, मेरी गल में बहुत 40 साल तो पुराने हैं, 40 साल तो पुराने हैं, इन्हें दुकान ना देखो, जैसे आते गुरुद्वार साहब और साथ में ये है भाई टपरी, बहुत बढ़िया भाई, टेस्ट बहुत अच्छा है इनका। वैसे मजाक कर रहे थे, गनमैन आते थे खा के चले जाते थे, बाद में वो कहते थे मैडम गनमैन आए सी। तो भाई बहुत अच्छा यार, बाकी यही खा पी रहे, चाय चू पी रहे हैं, ब्रेड पकौड़े सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है, आप भी आओ और खाओ। वो देखो यार गड्डी तोड़ दी अपने बंदे ने, मार गया, यहाँ मार दी, कहाँ मारी इसने, चलो चलो गए, चलो मार दिया, वो तो पिस्टल विंग हो गया, पिस्टल विंग, पिस्टल, ओए लाइव आ गया था हुन बारी, ओदा बेचारे दा सारा कुछ जुगाड़ उतर गया यार, देखिए चलो माड़ा परे परे ना कम के ओनु वाड़ दे, तेरे वाड़ दे गया लट बंदे नु, काम को तोड़ दे रे यार, नहीं नहीं हुन जान दे इधर आके, किते जोगे पापा, हद होगी यार, बंदे नु देखदा नहीं कोई, ओदा फिल्टर डिग कर रहे हैं यार बंदे, अरे ओ मारो ना वाइपर, मारो वाइपर, मारो। ओए मित्रो घर दे वल नु आ गए हैं, हाय हाय, रील रूल बनाए यार, मौसम चेक करो यार, काके क्या मौसम कैड आया पीछे देख, सेक्सी मौसम हो रखा भाई जी, स्वाद लैंडे जी, स्वाद लैंडे जिंदगी दे। तो भाई देख ही लाओगा आपने, आज अपना कहाँ गए, मत्था टेक के आए, ठीक है भाई, हमेशा मस्ती होना चाहिए होती है, अच्छे काम भी करा करो, बिल्कुल, अभी रिले रिले बनाने लगे, फोटो फोटो खींचने लगे हैं, फिर देखते हैं अगर कुछ होता ना तो फिर ब्लॉक कर देंगे एंड, फिर नेक्स्ट लोग मिलेंगे आपको, है ना भी, बनाओ यार आ जाओ। लो भी मित्रों घर की तरफ आ गए भाई, तो बारिश बहुत ज्यादा पड़ रखी थी, अभी फोटो फोटो करने लगे थे, फोटो फोटो खींचने लगे थे, रिले रिले बना रहे थे, तो एकदम से बारिश पड़ी, और मौसम देख सकते हो, ऑरेंज ऑरेंज रखा, देखो बड़ा गलत सीन हो रखा भाई, ऑरेंज ऑरेंज सीन बन रखा पूरा मौसम, मैं कहा आप कहाँ जाएंगे, लोग तो बन जाता बारिश पड़ रखी है, तो आपने देख ही लिया आज कैसा लगा आपको गुरुद्वारा साहब, ठीक है नीचे बता देना, और भाई तुझे जरूर कमेंट में लिख देना भाई, ठीक है भाई, जो जो प्यार करते हैं भाई, बाकी नेक्स्ट व्लॉग में आपको मिलते हैं, बढ़िया व्लॉग लेके आएंगे अगला, देखते हैं क्या भगवान बनाएंगे, हम तो भगवान के आश्रय चलने वाले बंदे हैं, ठीक है जो भगवान कराएगा हम वही करेंगे, ठीक है भाई, फिर बाकी नेक्स्ट व्लॉग मिलते हैं आपको, तब तक बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट, और हर हर महादेव।